सभा क्षेत्र के प्रत्याशी गोविंद राजपूत जी मौजूद, हम बात करते हैं तुम तक न्यूज पर। भाई साहब, क्या चल रहा है सुर्खी पर? सुर्खी में तो बता दे, लोग बता दे, फूल चल रहा है इस समय, फूल चल रहा है। भाई साहब, आज कौन सी सभा थी यहाँ पर? आज यहाँ भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए थे और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को आना था, लेकिन वो अचानक फिसल के गिर गई तो नहीं आ पाई। लेकिन उन्होंने, हम सबको बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मोबाइल पर इतना अच्छा और मार्मिक भाषण दिया कि लोग सुन के बहुत खुश हुए, उन्हें अच्छा लगा। ये चेहरे पे आज लालिमा दिखा रही है आपके चेहरे पे, तो इस समय पर जो है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में राजनीति गर्मा गई है, लेकिन 360 गांव के बीच में है, आपने कितने गांव अभी तक कवर कर लिए? देखिए, मैंने कहा कि मैं तो गांव गांव गली गली घूमने की मुझे आदत है, तो मैं करीब करीब अभी तक शायद ज़्यादा नहीं घूम पाए, 100 गांव करीब घूम पाया। कितने और कर लेंगे अभी कवर? अभी तो बहुत बचे हैं। कुछ गांव के लोगों ने कहा आने की आवश्यकता नहीं है, आप तो रिजल्ट देखें तब आना। कम से कम 25 से 30 गांव ऐसे हैं जिनने कहा कि भैया बिल्कुल मत आना, आप तो हमेशा आते हो, मान करते हो, सम्मान करते हो, रात दिन आते हो, आप आते हो, भैया आते हैं, भाभी आते हैं, सब लोग आते हो, अब हमें कुछ कर दिखाने दो, फिर आप चुनाव में। सुर्खी की जनता कह रही है गोविंद राजपूत जी से कि आप आते हैं, आप हमारा मान सम्मान करते हैं और विकास करते हैं, इसलिए हमें गांव तक तो नहीं बुलाते हैं, लेकिन हम भारी बहुमत से आपको चुनाव जिताएंगे। तुम तक न्यूज की विशेष रिपोर्ट, हम बात करते हैं उनका जनसंपर्क लगातार जो है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जोर तोड़ से चल रहा है। भाई साहब, क्या चल रहा है इस समय पर चुनाव में? चुनाव क्षेत्र की बात, मंत्री का आतंक, मंत्री की भय, मंत्री की गुंडागिर्दी, जो हर व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनको नोटिस दिए गए हैं, आज भी 17 तारीख 3 तारीख को चमकाया जा रहा है। जनता कोई की धौंस में आने वाली नहीं है, जनता खुद मेहनत करती, खुद कमाती है। कब वो रजवाड़े राजा चले गए कि हमारे फोन पर धमका दें, चमका दें, इससे नेतागिरी नहीं होती, दिल में उतरना पड़ता है, नेता को सेवक बनना पड़ता, नेता नहीं बनना पड़ता। ये सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 360 गांव है, अभी तक आपका जनसंपर्क तेज गति से चल रहा है, कितने गांव में जनसंपर्क कर चुके हैं? लगभग पूरे होने जा रहे हैं, और भगवान हनुमंत लाल जी की कृपा से 15 तारीख के पहले पहले हम पूरे गांव कंप्लीट कर लेंगे। एक और भाई साहब, हमने बात देखी है आपके पास के आप हनुमान जी से शुरुआत करते कोई भी चीज़ है। संसार चल रहा, हमारी औकात क्या, संसार वहीं से चल रहा है, हनुमान जी से चल रहा है। तो भाई साहब, इस समय पर जो है आप लगातार 360 गांव में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो इस समय पर आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव में क्या कुछ सफलता मिल रही है? सफलता देने वाले राम जी और हनुमंत लाल जी, कर्म करना हमारा काम है। जब अच्छे लोग क्षेत्र में आएंगे, सेवा के लिए आएंगे, तो सफलता पीछे है, आगे नहीं पीछे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेतृत्वों की यहाँ पर सभाएं हो रही हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, आपका भी कोई कार्यक्रम अभी निश्चित हुआ क्या? पहली बात तो हम बताना चाहते हैं, जो मंत्री बोल रहा है 15,000 करोड़ के काम किए, उनको क्या जरूरत है कि बड़े मंत्रियों को बुलाएं? क्या जरूरत है एक छोटे से गांव में 2 सभा करें, जब इतना 30 साल से आप यहां पे हैं और 30 साल से जनता का खून पी रहे हैं, तुम कितनी सभा कर लेना, कितने लोगों को बुला लेना। फैसला तय हो चुका है हनुमंत लाल जी के चरणों की कृपा से, अब कोई उनको बचाने वाला नहीं, बचाने वाले भगवान थे, गरीब थे, ना गरीब को छोड़ा, ना राम को छोड़ा, ना भगवान को छोड़ा। कोई बड़ी सभा होने, कांग्रेस की तरफ से सुना है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की कोई बड़ी सभा करने वाले हैं? हमें कोई जानकारी नहीं है, आगे आएंगी तो सामने। और रही बात, हम ही काफी है यहाँ क्षेत्र में मंत्री के लिए, नीरज शर्मा ही काफी है। ये देखिए, हमारे बीच में थे नीरज शर्मा, जिनसे हम बात कर रहे थे, लगातार संपर्क कर रहे हैं नीरज शर्मा और जनता तक जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रत्याशी कांग्रेस के नीरज शर्मा।